रैपिड मेक हॉरिजॉन्टल की वे मिलिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज अ सिंपल इजी टू यूज हॉरिजॉन्टल की वे मिलिंग. द कंडीशन ऑफ द टेबल इज वेरी गुड. देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द स्पिंडल ऑफ दिस मशीन. इसमें हर बार अपने आप कट बढ़ता रहता है. डेप्थ ऑफ की वो अपने आप इंक्रीज होती रहती है. The maximum length of keyway in this machine is 200 mm. इस कैम की सेटिंग करके हम देख सकते हैं या सेट कर सकते हैं कि हमें जो कीवे की लेंथ है वो कितनी चलानी है. स्टार्ट कर दो. ठीक है, अभी हमने जितनी भी डेप्थ सेट करी है कट की वो जीरो होने पे अपने आप डेप्थ का इंक्रीज बढ़ जाएगा, रुक जाएगा. अभी जितनी बार भी जो इसका हेड है वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा रहा है उतनी बार अपने आप कट इंक्रीज हो जा रहा है. डेप्थ अपने आप इंक्रीज हो रही है. कीवे की डेप्थ जितनी भी सेट करेंगे उतनी होने के बाद रुक जाएगी. और जो स्पिंडल की स्पीड है उसको भी एक बार डबल स्पीड की मोटर है वो भी तेज दिखा दो. ठीक है, स्पिंडल भी तेज हो गया. फिर से स्लो करना. ठीक है, फिर से स्लो हो गया. डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द हेड मूवमेंट. हमने अभी ये स्लो स्पीड में चला रखा है, इससे और भी स्लो कर सकते हैं. वो बेल्ट से चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, पहले नीचे गियर बॉक्स से तेज दिखाओ थोड़ी सी. ठीक है, वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ द हेड मूवमेंट हैज इंक्रीज. अब इसमें जो मोटर डबल स्पीड की है वो भी दिखा दो. ठीक है, ये हेड की स्पीड अभी और तेज कर दी. ठीक है, चेंजिंग द डेप्थ ऑफ कट. इस मशीन में जो हर बार जो कट चल रहा है, जो स्पिंडल आगे आ रहा है, उसकी सेटिंग यहाँ से अभी हमने काफ़ी कम करी हुई है. और हम देख सकते हैं कि जितनी बार भी लेफ्ट और राइट चल रहा है वो स्पिंडल अभी काफ़ी कम चल रहा है. ठीक है, इसको इंक्रीज करो. ठीक है, वी कैन क्लियरली सी दैट द ट्रैवल ऑफ द स्पिंडल पर कट हैज इंक्रीज. और तेज कर दो. ठीक है, इट इज एन इटालियन मेक, इजी टू यूज हॉरिजॉन्टल की वे मिलिंग मशीन. The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.